अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ काले चने के कबाब की रेसिपी। बहुत तरह के आप लोगों ने कबाब खाए होंगे, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, बहुत ही रिच है प्रोटीन में। ये 2 कप मैंने काले चने लिए हैं। इनको ओवरनाइट मैंने 2 दफ़ा अच्छी तरह धो के ओवरनाइट इसको भिगो के रख दिया था। तो अब हम इसको बॉयल कर लेंगे सिंपल पानी में और थोड़ा सा लहसुन डालकर। अच्छा जी, अब इसको हम प्रेशर में 5 से 7 मिनट के लिए वेट लगवा लेंगे। 2 कप चने हैं तो इसके अंदर मैंने 6 कप पानी ऐड किया है, तो 5 से 7 मिनट के लिए के अंदर ही अंदर हो जाएंगे क्योंकि ये ओवरनाइट भिगे हुए हैं। अब इसके अंदर मैं 5 से 6 जवे लहसुन के ऐड करूँगी और 1 टीस्पून सॉल्ट। इसको ऐड करके 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम वेट लगवा लेंगे। ये देखिए चने अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। इसके अंदर जो लहसुन है वो मैंने फेंका नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल दिया। अब इसको मैं अच्छी तरह मैश कर लूँगी। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम कुछ वेजीज ऐड करेंगे। चलिए देख लें क्या क्या वेजीज ऐड होंगी। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 कप गाजर यानी कैरेट। बिल्कुल फाइन चॉप करनी है, बिल्कुल फाइन चॉप कर लेनी है। 1/2 कप कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, 1/2 कप प्याज यानी अनियन, 2 टेबल स्पून भुने हुए चने उनका पाउडर, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च यानी ग्रीन चिली, 1/2 कप बॉयल्ड पीस यानी सब्ज मटर। इसके अंदर हम डालेंगे मसालों में 1 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा। अगर आपको ज़ीरा साबुत नहीं पसंद आप इसको हल्का सा कूट भी सकते हैं या पाउडर भी बना सकते हैं। अब इस सब को हम चनों के अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके हम कबाब रेडी कर लेंगे। आप अपने साइज़ के मुताबिक बना सकते हैं। ये देखिए जी कबाब बन के रेडी है। मैं इनको फ्राई कर लूँगी। आप इनको एग और ब्रेड क्रम्स लगा के भी फ्राई कर सकते हैं या सिंपल भी फ्राई कर सकते हैं। मैं इनको एग और ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करूँगी। और जो लोग डाइट पर हैं वो इसको ऐसे ही सिंपल तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल डाल के रोस्ट के वो भी इसको ले सकते हैं। पहले हम अंडे में डिप करके
और ब्रेड क्रम्स में रोल करके फ्राई करेंगे। ये देखिए जी, कबाब बन के रेडी हैं, बहुत ही मज़े के हैं और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट है। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे लगे आपको। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।